एक नगर में एक विधवा अंध स्त्री रहती थी। तेने एक पुत्र हतो, तेनु नाम राजू हतो। राजूना उसेर नी संपूर्ण जवाबदारी तेना खंभा पर हती। ते राजू ने शिक्षित बनावीने महान मानस बनावा मांगती हती। तेथी तेने राजू ने शहर नी श्रेष्ठ शाला में दाखल करी ते दीकरानी शाला नी फी भरवा माटे दिवस रात मेहनत करती हती। राजू नी शाला ना बाळको तेनी माता विशे जाणता हता। बधा तेने आंधळानो दीकरो कहीने सीड़ावता हता। आ जोईने राजू खूब नाराज थयो हतो। तेने तेनी माता प्रत्ये शरम आवी। ते तेनी साथे क्यांय जवानुं टाळवा लाग्यो। राजू मोटो थयो त्यारे तेने शहेरमां सारी नोकरी मळी गई। राजू तेनी माताने वचन आप्युं हतुं के ते तेनी शहेरमां एक घर लई तेने लेवा आवशे। परंतु ते शहेरमां गयो पछी पाछो फर्यो नहीं। तेनी अंधमाता तेनी राह जोती रही। केटलाय महीनाओ वीती गया। राजूना कोई समाचार न हता। अंध एक दिवस पण तेनी साथे रही शकी नहीं। अने ते तेना पुत्र ने मळवा शहर पहुंची गई। पूछता पूछता ते राजूनी ऑफिसे पहुंची। त्यां सिक्योरिटी गार्ड तेने रोकी। अंध महिलाए गार्डन ने तेना पुत्र नाम राजू से एम कह्यु ने कह्यु के जईने तेने कहो के गाममांथी कोई तेने मळवा आव्यु छे। गार्ड जईने तेना पुत्र ने कह्यु। राजूए ऑफिस नी बारी मांथी जोयु तो तेने तेनी माता ने गेट नी बहार उभेली जोई। ऑफिस में बधानी सामे तेनी माता ने कारणे ते शरम में आववा मांगतो न हतो। तेने कह्यु के ते ऑफिस में नथी। ते अंध महिला त्यांथी निकळी गई। सांजे राजू ऑफिसेथी घरे जवा निकळ्यो। रस्ता में एक जगह भारे भीड़ एकठी थई हती। राजू तेनी कार रोके अने भीड़ में पहुंची गयो। तेनी माता ने रस्तानी वच्चे मरेली जोवा मळी। तेने हाथ में एक पत्र हतो जेमा लख्यु हतु, दीकरा घणो समय थई गयो, तारा कोई समाचार नथी, हूँ चिंतित हती, तेथी हूँ तने मळवा आवीशु। तमे हवे मोटा माणसो बनी गया छो। હવે તને મળવું કદાચ મારા નસીબમાં નથી, પરંતુ હું તમારા માટે ખૂબ જ ખુશ છું। તે માત્ર તારું સપનું જ નહીં, મારું સપનું પણ પૂર્ણ કર્યું છે। મને અફસોસ છે કે હું તમારી પ્રગતિ જોઈ શકતી નથી। જો માત્ર બાળપણમાં તારી આંખોમાં રેબાર પ્રવેશ્યો ન હોત અને મારે તને મારી આંખો આપવી ન પડી હોત તો તારી પ્રગતિ મારી આંખે જોઈને હું શાંતિથી મરી ગઈ હોત। માની આંધળી વાતો વાંચીને રાજુ રડવા લાગ્યો, જે અંતમાતા માટે તે શરમાતો હતો। તેના માટે તેણે કેટલું મોટું બલિદાન આપ્યું હતું તે સ્વ અપરાધી ભરેલો હતો અને બાકીના જીવન માટે પોતાને માફ કરી શક્યો નહીં। મિત્રો, માતા પિતા પોતાના બાળકો માટે સર્વસ્વ બલિદાન આપે છે, તેમનું હંમેશા સન્માન કરવું।